वेलकम टू माई चैनल इंडियन एच आई म्यूजिकल। सो जब हम पियानो बजाते हैं ना, तो हम जब हम कॉर्ड लगाते हैं उसके ऊपर किसी गाने के ऊपर, तो पियानो का साउंड और भी प्रोफेशनल लगता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक सिंपल सा एक ट्रिक जिससे आप कॉर्ड सीख सकते हो, मेजर कॉर्ड भी हो या माइनर कॉर्ड भी। आप सिंपल एक ही ट्रिक है, एक ही फॉर्मूला है, और आप इससे ही आप इस्तेमाल करके आप कौन से भी कॉर्ड्स आराम से सीख सकते हैं। तो चलो गाइस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, मेजर कॉर्ड के लिए एक फॉर्मूला और माइनर कॉर्ड के लिए एक फॉर्मूला। आप कौन सा टाइप आपका नोटबुक में लिख के रख लीजिए गाइस। ओके, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इधर। तो आप सब आपको मेजर कॉर्ड के लिए बता देता हूँ। मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला है 1, 5 और 8, और वैसे ही माइनर कॉर्ड का भी एक फॉर्मूला है। माइनर कॉर्ड का फॉर्मूला है 1, 4 और 8। ओके, ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मेजर कॉर्ड के लिए 1, 5, 8 और माइनर कॉर्ड के लिए 1, 4, 8। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। मेजर मेजर मतलब बड़ा, तो बड़ा मतलब 5, 1, 5, 8, और माइनर कॉर्ड मतलब छोटा, तो 1, 4, 8। ओके, हम देखेंगे हम इस फॉर्मूला को पियानो में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको नोटबुक लेके ही बैठना गाइस। ओके, ये बहुत एक थोड़ा सबसे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा तकलीफ होगा, पर बाद में आप सीख जाओगे आराम से। ओके, आपको ये नोट्स याद रखने का। ओके गाइस, गाइस हम जो फॉर्मूला हमने लिखा था मेजर कॉर्ड करें और माइनर कॉर्ड करें, हम देखेंगे उस फॉर्मूला को हम कैसे यूज़ कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें अपने नोटबुक में ऐसा लिख के रखने का है, मेजर कॉर्ड करें 1, 5, 8 और ओके माइनर कॉर्ड करें ऐसे। ओके, फॉर्मूला के नीचे आपको नोट्स आना चाहिए। ओके, तो हम फॉर एग्जांपल हम लेटे सी नोट का, ओके सी मेड का, सी नोट का हमें निकालने का मेजर कॉर्ड। ओके, तो मेजर कॉर्ड कैसे निकालने का, फॉर्मूला क्या, 1, 5 और 8। ओके, हमें क्या करने का, तो नोट के इधर, तो सी नोट किधर है, इधर है। ओके, सी नोट इधर है। ओके, आपको क्या करने का है, ये सी 1 और ये सी के बाद दूसरे नोट क्या आएगा, डी नहीं आएगा, सी शार्प आएगा। ओके, सी शार्प कितना सेकेंड नंबर नोट है, और ये तीसरा नोट क्या है, डी, और फोर्थ नोट क्या है, डी शार्प, और इसके नीचे आने का, इसके डी शार्प के बाद क्या आता है, ई। ओके, ये कौन सा नंबर है, 5 नंबर। और ओके, हमें हम नोटबुक में लिखते ये ई आया ना गाइस। ओके, ये फर्स्ट लेटर हमेशा नोट ही आएगा। ओके, जो भी मतलब डी शार्प का ये कॉर्ड है उसका मतलब डी शार्प आया। ओके, अभी हम 5 नोट निकाल लिया, अभी हम 8वां नोट भी निकालेंगे, ये 5 था, हमें इसके बाद क्या नोट आएगा, ये 5th नोट है, इसके बाद क्या, 6th नोट, 6th नोट क्या है, एफ, और ये 7th नोट क्या आएगा, एफ शार्प, और एफ शार्प के बाद क्या आएगा, जी, जी कौन सा लेट नोट है, ये 8, ये बन गया आपका सी कॉर्ड। वॉल्यूम लगा रहे टॉप के लिए। ओके, आपका सी कॉर्ड बन गया। हम वैसे ही माइनर कॉर्ड के लिए भी करते हैं। ओके, इसका हम आप समझ गए होंगे। ओके, अभी हम कॉर्ड निकालेंगे माइनर कॉर्ड सी वाला। पहले हमने कौन सा कॉर्ड निकाला था, मेजर कॉर्ड सी का, और अभी हम निकालेंगे माइनर कॉर्ड सी का। मेजर और माइनर में डिफरेंस हो के हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपको वही फॉर्मूला अपनाने का, सी 5 की जगह 4 है माइनर कॉर्ड में। तो आपको क्या करने का, जो ये रहा फर्स्ट, सो हम लिख दे इधर सी सी, और इसके बाद सेकेंड नोट क्या है, डी सी सी शार्प, और इसके बाद कौन सा नोट आएगा, डी, 3rd नोट, 4th नोट क्या है, डी शार्प। ओके, ये रहा डी शार्प 4th नोट है। ओके, हमने माइनर कॉर्ड सी का 2 नोट निकाल दिए, डी शार्प है 4th नोट। ओके, और हमें अभी 8th नोट निकालने का है, डी शार्प। ओके, ये कौन सा नोट था, 4th नोट, इसके बाद नीचे आएंगे तो 5th नोट ई, इसके बाद 6th नोट आएगा एफ, और इसके बाद आपको 7th नोट आएगा एफ शार्प, और 8th नोट आएगा जी। ओके, आपको ये कॉर्ड क्या, सी डी ई। ओके, तो गाइस हमने ओके हमने सी का माइनर और मेजर कॉर्ड दोनों निकाल दिया। अभी हम मेजर कॉर्ड और एक एग्जांपल के लिए हम लेंगे।
गाइस हम और एक एग्जांपल लेते हैं, हम मेजर कॉर्ड निकालेंगे सी शार्प का। ओके, तो सी शार्प का मेजर कॉर्ड निकालेंगे, तो सी शार्प ये पहला नोट है ना। ओके, ये लिखने का सी शार्प आप लिखते जाएगा। ओके, प्रैक्टिस होगा आपको तभी, ये आपको लाइव परफॉर्मेंस में आपको ढूंढते नहीं रहने का, आपको ये सब ये कॉर्ड है ना आपको याद रखने का। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, आपको ये सिर्फ एक ट्रिक है गाइस, आपको खुद याद रखने का, तभी आपको पता चलेगा कौन सा कॉर्ड है ये। ओके ओके, ये जी फर्स्ट नोट है, उसके बाद सेकंड नोट क्या आएगा, ए सेकंड, और थर्ड नोट क्या आएगा, ए शार्प, सॉरी ए के बाद क्या आएगा, ए शार्प। एक और उसके बाद फोर्थ नोट क्या आएगा, बी। ओके, बी के बाद कौन सा नोट आएगा, सी, सी वाला नोट कौन सा, फिफ्थ नोट। ओके, ये बी फोर्थ नोट था, उसके बाद फिफ्थ नोट है ये। ओके सी, ओके हमने दो डोल नोट निकाल दिया, अभी हमें इधर नोटबुक में लिखने का सी। ओके, ये वाला कौन सा ये था, फिफ्थ नोट। ओके, इसके बाद सिक्स नोट होएगा जी, सॉरी सी शार्प, और उसके बाद सेवेंथ क्या बोल, सेवेंथ नोट होएगा डी, और एट नोट होएगा डी शार्प। ओके, क्या सी, सॉरी जी सी डी शार्प, हमने ये भी लिखने का। ओके, हमने अभी मेजर कॉर्ड निकाला, अभी हमें माइनर कॉर्ड भी करने करेंगे। आप ये कौन सा भी नोट में अप्लाई होगा, कहीं ऐसा नहीं कि मैं जो नोट बटे उसमें अप्लाई होगा, आप कौन सा भी नोट में अप्लाई होगा। ओके, हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर लेंगे, मेजर कॉर्ड का और माइनर कॉर्ड का नोट्स का। ओके, विथ फॉर्मूला। ओके, तो आपको क्या करने का है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का है, तो आपका बस कमेंट में लिखने का है कि हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, फ्री में हम प्रोवाइड करेंगे आपको गाइस। ओके, तो अभी हम निकालेंगे माइनर कॉर्ड, नोट कौन सा है, बी का। ओके, ये पहला नोट क्या होगा, बी होएगा। ओके, माइनर कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है, 148। ओके गाइस, 148 माइनर कॉर्ड का वही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, ये वन, सेकेंड नोट क्या है, सी, और ये थर्ड नोट क्या है, सी शार्प, और ये फोर्थ नोट क्या है, डी। हम इधर लिखने का फोर्थ नोट मिल गया ना, तो डी। ओके, ये फोर्थ नोट डी है, उसके बाद आएगा डी शार्प फिफ्थ नोट, उसके बाद सिक्स नोट आएगा ई, और ये सेवेंथ नोट आएगा एफ, और एट नोट आएगा एफ शार्प। तो ओके, एफ शार्प लिख देता हूँ मैं, और ये बी का कॉर्ड कैसे बन रहा है, बी डी एफ शार्प। ओके, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका, पर हम विथ एग्जांपल के साथ जा रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो ये बहुत ही लंबा हो रहा है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और हम इसका मेजर का और माइनर कॉर्ड का नोट्स का हम पीडीएफ भी शेयर करने वाले, तो बस आपको सिर्फ कमेंट करने का गाइस। ओके, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।